It was at this moment that he knew. He fucked up. है कि यार घर का वूफर गाड़ी में कैसे कनेक्ट हो सकता है, गाड़ी के लिए तो बेस ट्यूब आती है डेडिकेटेड, उसी तरीके से डिजाइन की जाती है। हाय गाइस, हर्षित, वेलकम बैक टू द वीडियो चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो आज की वीडियो टाइटल और थंबनेल जो आपने देखा कि 250 रुपए में अपनी गाड़ी को मतलब अपनी गाड़ी में बेस का मजा लें, तो ये वीडियो बिल्कुल 250-300 रुपए से ऊपर आपका बजट नहीं जाने वाला है। वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने टाइटल देख करके थोड़ा सा भी सोचा है कि क्लिकबेट है कि यार घर का वूफर गाड़ी में कैसे कनेक्ट हो सकता है, गाड़ी के लिए तो बेस ट्यूब आती है डेडिकेटेड, उसी तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि गाड़ी के लिए भी अब हमारा जो बेस ट्यूब्स थी वो लोगों की डिग्गी की जगह घेरने लगी थी। तो उसके बाद जो कंपनीज हैं उन्होंने बेस बॉक्स बनाए थे, तो वो ना करके आप कोई भी आपके घर में 2.1 या 5.1 का बूफर अगर पड़ा होगा, तो जो मतलब कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपनी गाड़ी में बूम बूम करें, मतलब बूम बूम बजाएं, लेकिन बात यह है कि वो सिर्फ अपने बजट के चक्कर में ये चीज़ें कर नहीं पाते हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो पे आए हो तो आप वाकई में सिर्फ 250-300 रुपए खर्च करके आप अपनी गाड़ी में ये कलाकारी करके अपनी गाड़ी में एक बेस का आनंद ले सकते हो, म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हो। और चलते हैं प्रोसीजर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नीचे अमेज़ॉन का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के परचेज़ कर सकते हो। कहीं बाहर जाने की, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने सिटी में अपने शहर में कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लिंक दिया हुआ है। बस अपने घर का वूफर उठाइए, काटिए पीटिए और अपना काम करिए। तो हाँ, ये हो सकता है कि आपको एक बार वर्कशॉप लेकर के जानी पड़े गाड़ी, क्योंकि उसमें कुछ 2-3 तार हमें चाहिए होते हैं किसी किसी पॉइंट से, तो वो भी मैं अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। और ये मैं नहीं बताऊँगा, जिन्होंने ये अपनी गाड़ी में काम किया है भव्य भाई, वही आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे और कैसे उन्होंने किया वो भी बताएंगे। तो चलते हैं भव्य भाई के पास और उनसे आपकी डायरेक्टली बात कराते हैं कि क्या कैसे करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पर कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। और अभी हमारे चैनल को हाल ही में स्टोरी फीचर मिला है, तो स्टोरीज से भी मैं अपडेट कर रहा हूं आप लोगों को कुछ कुछ चीजों से, तो स्टोरीज भी आप लोग मिस मत करिए। तो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ और वहां पर आपसे बात करते हैं। तो जैसा कि आप अभी यहां पर देख रहे हो, ये हमारा क्रिएटिव का वूफर लगा हुआ है यहां पर, और ये सारी चीजें जो है यहां पर ये क्या है और कैसा कनेक्शन होना है ये, और ये एक LPG वेरियंट है हमारी Hyundai i10, जैसा कि आप देख सकते हो उसमें किया गया। गाड़ी में आप किसी भी गाड़ी में कर सकते हो। और ये जो वायर्स आए हैं वो किस तरीके से लाए गए हैं, कहाँ से लाए गए हैं, और ये पूरा आइडिया किसका है और किसने किया है, तो मिलवाता हूँ मैं भव्य भाई से। तो भव्य भाई आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या किया और किस तरीके से किया है। तो भव्य भाई स्टार्ट करिए। ये मेरा क्रिएटिव 4.1 स्पीकर है, इसमें एक पावर केबल है और एक वॉल्यूम वाला केबल है, ये दोनों को मैंने आगे कनेक्ट कर रखा है। इसके जो पावर केबल है उसको मैंने सिगरेट सॉकेट में लगाया हुआ है, उससे मैंने पावर लिया 12 वोल्ट की। इसमें दो तार लगे हैं, ये आपके दोनों स्पीकर हैं ट्विटर्स के, वो मैंने यहाँ पे लगा रखे। ये तो ऑप्शनल है, अगर चाहें तो लगाएं, चाहें तो ना लगाएं। जी, आपको इनपुट के लिए आपको अपने स्पीकर से, जो आपके पीछे के दरवाजे के स्पीकर्स हैं उससे आपको आउटपुट लेना होगा यहाँ पे, उसको मैंने इसमें लगाया। ये है हाई इम्पिडेंस टू लो इम्पिडेंस कन्वर्टर, ये आपको अमेजोन पर लिंक मिल जाएगा इसका आपको। इसको आप, मैंने लिया हुआ है कन्वर्टर, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इससे, और ये आपका स्पीकर का इनपुट है। एक बार मैं आपको वायरिंग डायग्राम दिखा देता हूँ कि कहाँ से वायर आए और आपको कितने वायर्स चाहिए। सीट के नीचे से इसके वायर को अरेंज किया हुआ है, आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये मेरी LPG किट है और ये वायर जा रहा है सफ़ेद वाला, ये इससे होते हुए अंदर दरवाजे वाले स्पीकर से जो यहाँ लगा है इससे कनेक्ट हो रहा है। सेम आपका वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ से कनेक्शन मैं लिए उस वायर दौड़ से लिया हुआ है, वो वायर भी सेम पीछे आपके गया हुआ है। ये दो वायर्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, एक पावर का है और एक आपका म्यूजिक का है। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये क्रिएटिव का ऑन ऑफ बटन है, ये आप देख सकते हैं क्रिएटिव का तरह ऑन ऑफ का आता था। ये मैंने वो जो बताया था आपको सिगरेट वाला इसका सॉकेट है, उसमें मैंने, यही आपका मेन पावर सोर्स है, मेन पावर सोर्स है 12 वोल्ट है, जो आपके स्पीकर को चाहिए, स्पीकर को इनपुट देने के लिए है। जैसे आप स्पीकर को अपने घर में पावर सॉकेट में लगाते हैं उस तरह ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको लगाना पड़ेगा। या आप सिगरेट वायर में लगा सकते हैं या फिर आप बैटरी से डायरेक्ट वायर को पीछे बता सकते हैं। ओके, आपकी इच्छा। ये वॉल्यूम वाला है, आपको हम साउंड टेस्ट पे ले आते हैं। अब ये अभी ऑफ है, मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। Yeah.
और ये जो है दोनों स्पीकर से आवाज आ रही है यहाँ पर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इनको हटा सकते हो, जरूरत नहीं है। अगर आपके चारों स्पीकर्स लगे हुए हैं दोनों आगे पीछे तो उसमें आपको स्पीकर्स की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा साउंड के लिए, तो इसलिए ये स्पीकर्स लगाए गए ताकि पीछे वालों को थोड़ा अटपटा ना लगे। और बेस जो है वो इससे आ रही है, अगर आप चाहो तो ईयरफोन यूज कर सकते हो। It was at this moment that he knew he fucked up. Okay, ये कंटेंट ज्यादा हो गया। क्यों करना था? अभी आ गई है, अब मैं वूफर ऑन करूंगा। इस समय ये मैक्स पे है, मैं आपको फिर से इसकी वॉल्यूम कम करके दिखा देता हूँ कि क्या डिफरेंस है, आप इसको शायद फील करवा रहे हो। और इसमें लाइट जल रही है तो इसमें कोई भी फेक बाजी वाला काम नहीं है, इसका मतलब इसमें पावर आ रही है तभी इसका लाइट जो है वो ऑन है। और पीछे मैंने आपको भी वाइब्रेट करता हुआ वूफर दिखा दिया था, तो इसमें इस वीडियो में कुछ भी फेक बाजी नहीं है, कोई क्लिकबेट नहीं है, हमने एक्चुअल में जो हमारा 2.1 और 5.1 के वूफर्स होते हैं उन्हीं को कनेक्ट किया है गाड़ी से। तो देखा आपने कि इसमें कुछ भी हमने फेक बाजी नहीं करी है, और आई थिंक कि जो ऑडियो आया है वो माइक ने जस्टिफाई किया हो, अगर ना किया हो तो आप अपने घर के किसी भी म्यूजिक सिस्टम पे अगर आप सुनोगे तो आपको खुद ही क्लियर होगा, या एक अच्छे हेडफोन या ईयरफोन में भी अगर आप सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा, और आप अपने घर के जो नॉर्मल स्पीकर्स हैं, नॉर्मल वूफर्स हैं, जिनको आप कभी सोचा होगा, आपने कभी आपके दिमाग में आया होगा कि यार इनको भी कनेक्ट कर सकते तो कितना अच्छा होता, या अगर फालतू पड़े हैं तो इनको यूज़ कर सकते तो कितना अच्छा होता। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोनों लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड।